सारथी फाउंडेशन के सभी कमेटी मेंबर को दिल की गहराइयों से हम बधाई देते हैं कि इस कोविड महामारी के चलते आज भी रक्त की कमी है। जिस मात्रा में पहले रक्तदान होता था वैसे अब नहीं होता है, और ज़रूरतमंद को जब ज़रूरत पड़ती है तो रक्त की जो है कमी होती है। इसलिए आज मोजेस चिन्नप्पा जी, उनके टीम ने और सारथी फाउंडेशन जी के सभी टीम मेंबर ने इस कैंप का आयोजन किया है। मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपके इस कैंप के माध्यम से ज़रूरतमंदों को रक्त मिलेगा। मैं उन तमाम डोनर्स को भी दिल से बधाई देता हूँ जिन्होंने अपना अपना रक्तदान किया है। और मोजेस चिन्नप्पा और सारथी फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ पे जो ब्लड डोनेशन का कैंप आयोजित किया उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पिछले कई सालों से इस परिसर में जो भी समस्या हो वो समस्या का निराकरण करने की भूमिका हमारे सहयोगी मोजेस चिन्नप्पा और उनके साथियों ने की है। आपको पता है कि दो दिन पहले देश में बहुत भीषण दुर्घटना हुई। हमारे देश के लिए बलिदान टाइम पे देने वाले जो शूरवीर जवान थे, हमारे तीनों दल के प्रमुख आदरणीय रावत जी साहब का जो हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया, और उसके तुरंत ही एक दिन बाद मोजेस चिन्नप्पा फाउंडेशन और सारथी फाउंडेशन ने जो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बनता है तो ये आप सोचे अपने आप में कितनी बड़ी बात होगी, क्योंकि अगर सिर्फ मीरा भाईंदर के लिए इतना कर रहे हैं, अगर सोचिए आमदार लेवल पे जाए तो मीरा भाईंदर को कैसे प्रेजेंट करेंगे, या खासदार भी होंगे तो वो कैसे प्रेजेंट करेंगे। ये आगे की सोच जो पार्टी लेवल पे, उनमें मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं दिल से चाहती हूँ कि मोजेस भाई राजकारण में भी उनको एक पालिका में जाए या आगे चल के आगे भी जाए, ऐसे मैं दिल से चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है। आज जो बिपिन रावत जी जो शहीद हुए अभी 3-4 दिन पहले, उनके बारे में हम लोग ये कहते हैं कि देश को सबसे बड़ा लॉस हुआ इसका, इनका जो डेथ हुई है वो सबसे बड़ा लॉस है। वो जाने के बाद हमें उनकी कीमत ज़्यादा समझ में आ रही है। वैसे मैं चाहती हूँ अगर मोजेस भाई इतना कर रहे हैं ना, तो उनको एक पद पे वो आ जाए ना, तो इनके हाथ से हो सकता है बहुत बड़ा कुछ आगे हो जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग चाहिए। क्योंकि राजकारण का नाम खराब होते जा रहा है कि सत्ता में आते हैं लोग काम नहीं करते, सत्ता में आने के बाद लोगों को भूल जाते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों को चुन के देना और ऐसे लोगों को सत्ता में लाना ये पार्टी की जिम्मेदारी है और आम लोगों की भी जिम्मेदारी। मैं वही बोल रहा हूँ, मोजेस चिन्नप्पा जैसा एक समाज सेवक का दूसरा नाम ही मोजेस चिन्नप्पा है। मोजेस चिन्नप्पा का जी का सबके साथ में संबंध है। आज कोई भी पार्टी में आप जाओ, उनके दोस्त है वो, आप देखेंगे हर एक लीडर का कुछ भी अगर फंक्शन रहा, कुछ भी उसका बर्थडे रहा, उसके कुछ घर पे का कार्य रहा, तो मोजेस चिन्नप्पा वहाँ पे पहुँचने का काम करते। तो मुझे लगता है ऐसा समाज सेवक ये घर घर में जाना चाहिए, हृदय हृदय में हर एक आदमी के जाना चाहिए। आज 11 दिसंबर को मंगलनगर में सारथी फाउंडेशन एंड मोजेस चिन्नप्पा फाउंडेशन एक ब्लड डोनेशन कैंप किया है। सारथी फाउंडेशन, मोजेस चिन्नप्पा फाउंडेशन जैसे काफ़ी एनजीओज है और काफ़ी अच्छे वार्ड में काम कर रहे हैं, बड़े एरिया में काम कर रहे हैं। एक जब भी कुछ काम एनजीओ की तरफ से नहीं होता है वो अपने घर से पैसे से करते हैं, घर के फैमिली मेम्बर से करते हैं, लेकिन जब ब्लड डोनेशन की बारी आती है मेरे जैसे एनजीओ काफ़ी असमर्थ हो जाते हैं, बाकी सब भी हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड आप घर में से नहीं ला सकते हो, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो दे सकते हैं, लेकिन आपको जब व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है रिक्वायर्ड अर्जेंटली पेशेंट क्रिटिकल इन वो कार्ड ए बी नेगेटिव, आप ब्लड बैंक फोन करते हो, अगर आपकी लक अच्छी है तो वहाँ ब्लड मिल जाएगा, अगर आपका रेयर ब्लड ग्रुप है तो आपको मिलेगा भी नहीं करके। तो वो हिसाब से मैं सब लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके पास भगवान ने एक क्वालिटी दी, एक आशीर्वाद दी, हर एक में एक कुछ ना कुछ अच्छाई करने की आशीर्वाद दी है ना। हम हमेशा गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, पर ये जो चीज़ है गवर्नमेंट का नहीं, हम सामान्य जनता के लोग आने चाहिए। 130 करोड़ की आबादी है, मैं कह रहा हूँ कि अगर 1 करोड़ लोगों ने भी अगर हर 6 महीने में ब्लड दिया तो भारत में ब्लड की कभी कमी नहीं होगी। फिर भी हमने देखा है कि जो लोग डोनेट करते वही डोनेट करते रहते, आम लोग नहीं आते। अब जैसे बिल्डिंग में हमने कैंप नीचे पार्किंग में रखा है, मुझे नहीं लगता 5-6 परिवार से ज़्यादा लोग आए रहेंगे, 50 से 55 तक अभी डोनर्स है, जिसमें से 50 डोनर बाहर से आए हुए। बस यही डिफरेंस है कि हम सोचते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है, जब होगा तो देखा जाएगा, हमारे पास पैसा है ब्लड बैंक तो देगा, पर जैसे पानी है वैसे ब्लड भी है, आप जब तक डोनेट नहीं करोगे वो आपको काम नहीं आएगा। तो आणि सारथी फाउंडेशन ने एकत्र मिळून एक कैम्प आयोजित केलेला आहे, तरी माझी सर्व मीरा भाईंदर नागरिकांना नम्र विनंती आहे की त्यांनी डोनेशन कैम्प मध्ये यावं, ब्लड डोनेट करावं,
आणि येणाऱ्या एखाद्या एक ब्लड डोनेशन केल्याने आपण एक जीव वाचवू शकतो, त्याचं समाधान ब्लड डोनेशन केल्यानंतर जे मनाला एक समाधान भेटतं ते समाधान भेटेल. त्याच्याकरता सगळ्यांना विनंती आहे की ब्लड डोनेट करावं, 6 महिन्यात एकदा तरी सगळ्यांनी करावं, ही माझी नम्र विनंती. सारथी फाउंडेशन